सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम, हर हर महादेव। जैसा कि आप सब जानते हो, मैं जा रहा हूँ दिल्ली से लेके कन्याकुमारी, वो भी अपनी साइकिल पे। और कल रात को आपने वीडियो देखी होगी लास्ट वाले, तो हम रुके थे पेट्रोल पंप पे। और पेट्रोल पंप पे जैसे ही रुके हैं, टेंट लगाया है, इतनी जोरों की बारिश आई है कि पूरा टेंट गीला हो गया। ये देखो, पूरा ये गीला हो गया था यहाँ पे। देखो, पानी वानी हो रखा, पूरा झाड़ रहा हूँ अभी। ये मतलब मुसीबत आती है ट्रैवल में कि आप टेंट में सो रहे हो तो बारिश आ गई, ये वो। और वेदर का भी नहीं आइडिया लगा सकते, क्योंकि अपने वहाँ का मानसून अलग है, यहाँ का मानसून अलग है साउथ का। मैंने कल देखा, वो यहाँ पे मानसून अभी चल रहा है, तो ये भी पंगा है भाई। तो अभी अपना सामान पैक कर रहा हूँ, पूरा सामान वगैरह पैक कर लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। तो भाई, साइकिल हो गई अपनी फुल ऑन पैक, BMW अपनी मस्त, बोर्ड वोर्ड टांग दिया, धूप भी निकल गई, मनोज भाई भी रेडी और अपन भी रेडी। और कोशिश करते हैं कि आज प्रभु की नगरी में पहुंचा जाए, रामेश्वरम। मतलब कोशिश करते हैं कि 140 किलोमीटर है वैसे तो, आज इसकी मार के रखेंगे मनोज भाई की। तो चलते हैं और निकलते हैं, हर हर महादेव। तो भाई, हमारे राइट में जो रहेगी वो रहेगी कराकुड़ी, हाँ कराकुड़ी, पता नहीं कराकुड़ी करके सिटी है वो। और हम सीधे जा रहे हैं बाईपास से, ये रामेश्वरम बाईपास है। रामेश्वरम बचा है 146 किलोमीटर अभी, जहाँ पे हम हैं यहाँ से। अभी पीछे बोर्ड देखा था मैंने लगा हुआ, वहाँ से बता रहा हूँ। तो हम बाईपास से निकल जाएंगे और मस्त मस्त नज़ारे लेते हुए और आपको दिखाते हुए। आप वीडियो लाइक कर लो और मज़े लो सफ़र के, अपनी मेहनत जारी है। चाय लेने आए भाई, चाय का भाई पुराना भगोना और नुन्नी नुन्नी से समोसे, छोटे छोटे मेंदू वड़ा। क्या खाना है? बॉयलर। पता नहीं इसमें कैसे चाय बनाते हैं। तो भाई, ये लिया आज हमने खाने का, ये ब्रेड टाइप है कुछ, इसमें क्रीम भी है अंदर, और चाय अपनी मस्त खा पी के फिर चलते हैं आगे। तो भाई, हम जा रहे हैं अभी रामेश्वरम, और तकरीबन 25 किलोमीटर चल चुके हैं। थोड़ा सा रेस्ट करने बैठ गए थे बस स्टैंड पे। यहाँ ये बढ़िया चीज़ मिली मेरे को कि बस स्टैंड वगैरह ठीक है, क्योंकि दिल्ली का तो बस स्टैंड भी पाड़ ले जाते हैं लोग, पीने वाले सब उखाड़ के ले जाते हैं वो। यहाँ ये है कि ठीक है, मतलब साफ़ सुथरा तो करना ही है, लोगों ने अपना खा खा के गुटके फेंक रखे हैं। पर अभी थोड़ा सा चेंज किया प्लान में कि हम रुकेंगे रमनाथापुरम करके है धनुषकोडी से तकरीबन 60 किलोमीटर पहले, तो वहीं पे होटल ले लेंगे। और क्योंकि हमें कन्याकुमारी जाना है तो वहीं से वापस जाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे ना, बैग वगैरह अपने सब वहीं होटल में छोड़ के और फिर साइकिल लेके जाएंगे धनुषकोडी। तो वेट का ये है कि 100-125 किलोमीटर हम बिना वेट के साइकिल चला सकते हैं, तो अगर थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं तो बाय नोट। बाकी आप सब वीडियो देख ही रहे हो, लाइक कर दो बाबा के नाम पे। अरे लाइक कर दो बाबा के नाम पे, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए प्रे करूंगा, सबके लिए। भगवान खुश रखे सबको, सबको खुश रखे। भोले बाबा के दर पे पहुंच जाएंगे आज हम, बाबा की नगरी में पहुंच जाएंगे। श्री राम जी ने जहाँ से शुरुआत की थी, मतलब लंका जाने की, वहाँ पहुंच जाएंगे आज हम। तो हर हर महादेव, जय श्री राम। ये भाई देखना, सामने देख के ऐसा नहीं लग रहा वीरान है कुछ, वीरान जंगल में चले जा रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि रोड ही ख़त्म नहीं हो रहा बस, और हम चले जा रहे हैं, ना कोई पास आस पास में है। अभी पेट्रोल पंप आया तकरीबन 8-10 किलोमीटर बाद, इतनी दूर है कुछ भी है जो, भाई साहब बवाल है ये हाईवे, बहुत डेंजर है। गर्मी आग लगी हुई है, गर्मी की धूप इतनी तेज है, और रात को इतनी ही तेज बारिश थी, रात को सोने में दिक्कत, सुबह चलने में दिक्कत। कोई नहीं, और आज आज की
बीमारी है, रेस्ट करेंगे एक दो दिन तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगी थोड़ी सी, है ना, फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भाई जहाँ हमें जाना वो रह गया 45 किलोमीटर। क्या है ना, एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है, हर 5-7 किलोमीटर पे बैठना पड़ रहा है। ये बस स्टैंड से 5-7 किलोमीटर बाद ही आते हैं, दिक्कत ये भी है, उससे पहले कुछ आता नहीं बैठने का। ये देखो धूप देखो तुम यार, मतलब भाई साहब बवाल हो रखा है धूप का, इतनी तेज़ भयानक गर्मी है, कोई नहीं है, देखो बिल्कुल सुनसान है सब कुछ। चलते हैं यार आगे, और फिर आगे देखेंगे कहाँ रेस्ट लेंगे अभी, क्योंकि बिना रेस्ट के नहीं जा पाएंगे भाई साहब। आज तो गर्मी ने ऐसे पागल कर रखे हैं बिल्कुल, मैं बता नहीं सकता। बस 2 बज गए और सड़ी गर्मी, आग लगी पड़ी राजस्थान की। जैसलमेर वालों तुम मौज में हो, यहाँ इतनी गंदी गर्मी है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें अभी फिलहाल। और हम आया अभी खाना खाने फिलहाल। ये देख लो, ये दिया राइस, ये पता नहीं आलू से है क्या यार, ये घिया गाजर है, ये घिया लग रहा है कुछ, और अचार। चलो खा लेते, और उसमें दाल है भाई, खा के फिर चलेंगे आगे। तो भाई ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ना, बहुत ज़्यादा धूप थी यार, 1 घंटा पहले तो हमने रेस्ट ले लिया था एक, इधर बस स्टैंड पे आके लेट गए थे अपना, क्योंकि और कुछ तो मिलेगा नहीं यार, ढाबे वाबे तो है नहीं, कि खाट है, खाट पे जाके लेट जाओ मजे से। अब दिक्कत क्या होगी कि अब हवा आ गई हमारी तरफ, कि पहले हवा नहीं थी, अब हवा भी आ गई, धूप तो है ही है, पर अब तो निकलना ही पड़ेगा क्योंकि 4 बज चुके हैं और 30-35 किलोमीटर और भी जाना है, अभी 40 भी जाना पड़ सकता है, तो चलते हैं अब। तो देख लो भाई, अभी तक नहीं पहुंच पाए हम, अभी भी 19 किलोमीटर बाकी है, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा प्रेशर से आ रही है, वो जाने ही नहीं दे रही आगे बिल्कुल भी। और अंधेरा होना, मतलब थोड़ा सा सनसेट होना स्टार्ट हो चुका है सनसेट अब, तो हमारे को पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि हम है भी ऐसी जगह पे जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है, अगर फंस गए ना यहाँ तो फंस ही जाएंगे फिर, वो वाला सीन है यहाँ का, तो इसलिए पहुंचना बाकी ज़्यादा ज़रूरी है काफ़ी। अभी एक चीज़ आएगी मैं दिखाऊंगा आपको वो, तो फिर चलते हैं आगे, आप सफ़र के मज़े करो, व्यू बहुत अच्छा है, भले सुनसान है सब पर अच्छा लग रहा है देख के ना। भाई यहाँ से लेंगे हम अब राइट, और यहाँ से सीधा भारत ख़त्म है, मतलब ये राइट जहाँ ख़त्म होगा अब वहाँ से रामेश्वरम। ओहो हो हो, हवा ने जान ही ले लिया। अंधेरा देख लो कितना ज़्यादा हो गया भाई आज भी, रोज यही हो रहा जब से तमिलनाडु में आए हैं, डेली रात अंधेरा हो जाता है डेली। और भाई रात को चलना बिल्कुल सेफ नहीं है, पर 10 किलोमीटर बचा है अभी भी, तो जाना ज़रूर पड़ेगा क्योंकि कुछ नहीं है बीच में, यही जंगल है पूरा। तो भाई हम आ चुके हैं रामनाथमपुरम, रामनाथपुरम पता नहीं रमनाथापुरम है क्या है, रामेश्वरम यहाँ से 50 से 55 किलोमीटर के करीब और बाकी है अभी। और आज हमने ले लिया होटल, और यहाँ से कल जाएंगे हम दर्शन करने बाबा के, हर हर महादेव। आप सब भी दर्शन करना, और वीडियो बनाऊंगा मैं तो सबके दर्शन कराऊंगा, प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जिन बच्चों की मदद के लिए मैं निकला हूँ उनकी मदद ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।